गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और मैं आज आपको बताऊं कैसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन विंडो एक्सपी को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ओपन कर लीजिए और जो मैंने सॉफ्टवेयर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले बता दूँ कि आपको कि जैसे ही आपको डाउनलोड लिंक में जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक ब्लैंक डिस्क का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपको करना क्या है कि विंडो एक्सपी का आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आपको मैं एक नीचे सॉफ्टवेयर का भी लिंक दूंगा जिसको आपको डाउनलोड करना है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्यूमो मैनेजर। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्यूमो मैनेजर अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो आप भी अपने कंप्यूटर में क्यूमो मैनेजर को इंस्टॉल कर लीजिए। और आपको करना क्या है कि क्यूमो मैनेजर को ओपन कीजिए और ये यस कीजिए। जो मैं फाइल आपको दिया रहूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे, जो ब्लैंक डिस्क वाला है उसको ओपन कीजिए सबसे पहले और ये ब्लैंक डिस्क को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट हियर, आप देख सकते हैं इसको। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इसका साइज ऑलमोस्ट 1.5 GB का हो जाएगा, 1.5 GB का। सो जैसे ही इतने साइज का एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आपको करना क्या है कि उसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम करके c.img कर दीजिए उसका नेम। तो जैसे ही ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए, लेट मी शो हाउ टू डू इट। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द नेम, रीनेम इट टू c.img। नाउ यू कैन सी आई एम रीनेमिंग इट्स नेम c.img। तो मैं इसको अभी एक इमेज फाइल बना दिया हूँ जिसका साइज ऑलमोस्ट 1.5 GB है। और अब मैं करूँगा क्या कि क्यूमो मैनेजर से इस जो डिस्क इमेज मैंने बनाया हुआ है इसमें विंडो एक्सपी को इंस्टॉल करूँगा। और जो मैं विंडो एक्सपी इंस्टॉल करूँगा इस डिस्क इमेज को मैं कॉपी करके अपने मोबाइल में सेव करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्यूमो मैनेजर को ओपन करता हूँ। क्यूमो मैनेजर को जैसे ओपन करूंगा, आप क्यूमो मैनेजर को मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और सॉरी, ये देख सकते हैं ऑलरेडी रनिंग है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वर्चुअल नेम, अपने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विंडो एक्सपी। और अब मुझे करना क्या है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख रहा है कि ऑलरेडी इस नेम से है, तो मैं इसका नाम विंडो एक्सपी SP3 कर देता हूँ, यानी सर्विस पैक 3 के साथ, मेरा अपडेट के साथ ये विंडो एक्सपी में रन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट कर दीजिए। और आपको करना क्या है, या रैम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे दीजिए। अगर आपका कंप्यूटर का रैम अधिक है तो आप और भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको केवल 512 MB दे रहा हूँ रैम, और मुझे यहाँ सब इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये फिनिश करूँगा, आप देखेंगे कि ये वैसा ओपन होगा कुछ। आप ड्राइवर पर जाइए, ड्राइवर पे जाने के बाद हार्ड डिस्क पे क्लिक कीजिए। और आपको करना क्या है कि जो आप ब्लैंक डिस्क अभी आपने क्रिएट किया था, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जो मैंने नया फोल्डर बनाया था जहाँ पे मैंने सारे, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऑल टाइप पे क्लिक कीजिए, ऑल फाइल्स पे, और जो सी करके दिया हुआ है इस पर क्लिक करिए, यानी जो इमेज फाइल है सी पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद यहाँ पे से ओके क्लिक कर दीजिए। अब आपको करना क्या है कि जो सीडी रोम है इस पर डबल क्लिक कीजिए और जो आपने विंडो एक्सपी का आईएसओ फाइल जहाँ पे सेव कर रखा है वहाँ पे शो कर दीजिए। तो मैंने भी उसको डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है। फिर वापस में जाऊँगा उसी फोल्डर में और यहाँ से मैं विंडो एक्सपी को सेलेक्ट कर लूँगा। विंडो एक्सपी का जो .iso फाइल है इसको आप नेट पे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको आप डाउनलोड करके उन्हें कंप्यूटर में कहीं भी स्टोर कीजिए और उसके बाद यहाँ लोकेशन उसका दिखा के ओके कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। जब ये सारे दो स्टेप्स कर ले तो उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्ले साइन यानी लॉन्च सेलेक्टेड वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये विंडो एक्सपी को जो मैंने इमेज दिया था उस पर इंस्टॉल कर रहा है। सो ये जो स्टेप है काफ़ी लंबा टाइम लेने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कंप्यूटर में थोड़ा सा, आपको पेशेंस की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी वर्क कर रहा है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सेटअप अभी रनिंग में है। और आपको बता दूं कि ये जैसे कि विंडो एक्सपी जितना टाइम लेता है इंस्टॉल होने में उतना ही टाइम लेगा। आपने जितना रैम इसको दिया है उसके अकाउंटिंग टाइम लेगा। तो अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट है तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा। तो आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ इंटर पे क्लिक कीजिए।
आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इंटर पे क्लिक किया और यहाँ से आपको करना क्या है, NTFS फाइल सिस्टम पे क्लिक करना है और इसको NTFS फाइल सिस्टम की तरह स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि सेटअप इज फॉर्मेटिंग, ये अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिगेन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि ज़रा सा पेशेंस रखना है, ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम लेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो जैसे नॉर्मली विंडो XP ओपन होता है वैसे ही ओपन होगा। आप सारे अपने डाटा फिल कर दीजिए, अपना नेम डाल दीजिए, जो भी चीज़ वहाँ फिलअप करना है। उसके बाद जब ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब आपको करना क्या है कि वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये रन कर रहा है। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स लेगा कंप्लीट होने में, क्योंकि विंडो XP का जो सेटिंग है, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है बाकी और विंडोज़ से। और चूंकि मैंने इसको केवल 512 MB रैम दिया है, 512 MB रैम दिया है, तो ये और अधिक लेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ये जब ये इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाए तब आपको करना क्या है, ये जो आप देखेंगे ये जो बटन है स्टॉप सेलेक्टेड वर्चुअल मशीन पर क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये पूछेगा कि इसको आप स्टॉप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा मैं आपको दिखा दूं कि उसके बाद जो नया फाइल बनेगा वो कैसा दिखेगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है, आप देख सकते हैं ये विंडो XP करके जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें जो आप देख रहे हैं ये ब्लैंक डिस्क करके, ये जो C करके है, इसको मैंने इसी में मैंने विंडो XP को इंस्टॉल किया है वर्चुअल मशीन से। आप देख सकते हैं इसका साइज ऑलमोस्ट 1.46 GB है। सो अब आपको करना क्या है कि इस फाइल को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में पास्ट कर लीजिए, कॉपी पास्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर से कोई काम नहीं, उसके बाद आपको जाना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो चलिए गाइज अब अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर चलते हैं। सो गाइज अब मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे आ चुका हूँ, आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन को ओपन कर लीजिए। आपको करना क्या है कि जो नीचे मैंने फोल्डर्स जो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दो तीन और फाइल्स दी होंगे डाउनलोड करने, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक sdl.zip करके होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए, और एक बोस करके APK होगा, एप्लीकेशन फाइल का लिंक होगा, उसको आप क्लिक करके उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और नीचे एक और लिंक होगा जहाँ पर आपको SDA डेवलपर के वेबसाइट पे जाएगा, जहाँ से ये सारे प्रोसेस आपको डिटेल में मिल जाएंगे, वो सारे चीज़ को फॉलो कर सकते हैं यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है कि अपने फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए, और जो आप देख सकते हैं SDL आपने फाइल डाउनलोड किया है इसको आप मूव करके अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज पे सेव कर लीजिए। तो मैं इसको इंटरनल स्टोरेज में मूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इंटरनल स्टोरेज अपने मूव कर रखा है, वेट ये मैं बैक गया इंटरनल स्टोरेज में गया। तो आप देख सकते हैं कि ये SDL फाइल जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है डाउनलोड करने को, वहाँ डाउनलोड करने के बाद मैंने इंटरनल स्टोरेज में मूव कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो विंडो XP का जो आपने इमेज बनाया c.img करके, जो सेटअप कंप्लीट होने के बाद मैंने अभी PC में दिखाया सेटअप चल रहा था, जब सेटअप कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से और विंडोज़ XP ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको स्टॉप करना है वर्चुअल मशीन को। उसके बाद फिर जो आपने c.img जो फाइल सेलेक्ट किया था, जो मैंने अभी आपको डेस्कटॉप पे दिखाया था रखा हुआ था, उसको आप कॉपी करके अपने फ़ोन में स्टोर कर लीजिए और इंटरनल स्टोरेज में से दिखा स्टोर कर लीजिए। तब मैं क्या करूँगा, c.img को मूव करूँगा और SDL के फोल्डर वाला जो मैंने अभी दिखाया आपको इसमें मूव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैं इसको SDL जो फोल्डर मैंने दिखाया था अभी आपको उसमें मूव करता हूँ। आप देख सकते हैं SDL मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया। तो अब मैं बैक जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ ये रहा SDL, यहाँ पे मैंने c.img ये फोल्डर को, ये फाइल को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है। अब आपको एक लास्ट स्टेप क्या करना है कि जो बोस APK आपको बोला था उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। और एक और चीज़, ये जो लिखा है बोस src.txt इसको आपको ओपन करना है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए उससे ओपन कीजिए, और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं इसके जगह आपको कुछ और करना है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है यहाँ पे। तो मैंने आपको जो बताया XDA डेवलपर का मैं वेबसाइट दिया हूँगा आपको ट्यूटोरियल पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको ओपन कर लीजिए तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे नीचे आप जाएंगे या देखेंगे कुछ कोड्स लिखा होगा इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो मैं इसको, वेट जरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ,
सॉरी जरा ये मूव कर गया। ध्यान से सारी चीजें कॉपी कीजिए, जरा सा भी गड़बड़ होगा तो आपका जो वर्चुअल मशीन जो मैं अभी रन करके विंडोज पे दिखाऊंगा वो ओपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सारी चीजों को पास्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैं इसको सबको डिलीट करूंगा और यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया है वेबसाइट से उसको यहाँ पास्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं उसको पास्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया, आप डन करके और ये सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको एडिट कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि होम बटन दबाइए और जो आपको बोस एप्लीकेशन बोला था उसको इंस्टॉल कर लिए होंगे तो आपके ऐप ड्रॉअर में ऐसा दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये विंडो एक्सपी को मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में रन कर रहा है। नॉर्मली जैसे विंडो एक्सपी बूटअप होता है ठीक उसी तरह ये बूटअप होगा, लेकिन एक बात बता दूं आपको दोस्तों कि चूंकि ये अभी रनिंग प्रोजेक्ट है इस पर भी वर्क चल रहा है तो आपको फुल स्पीड विंडो एक्सपी का नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपके फ़ोन में विंडो एक्सपी रन करने लगेगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ। तो अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाएँ ठीक से तो आप कुछ इस स्टेज पर पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं ये अब ओपन हो रहा है। आपको बता दूँ कि ये ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट लेगा बूटअप होने में, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि अभी रनिंग प्रोजेक्ट है इस पर वर्क चल रहा है और कुछ दिन बाद शायद ये अगर आगे और वर्क इस पर हो जाए तो काफ़ी अच्छे से जैसे कंप्यूटर में विंडो एक्सपी या फिर कोई भी विंडो रन करता है ठीक वैसे ही इसमें भी अपने फ़ोन में विंडोज़ रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये विंडो एक्सपी शो कर रहा है। इसको रन करने दीजिए, ये टाइम लेगा आपको मैंने पहले ही बताया। सो एक बार मैं फिर आपको सारे स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। आपको जितने भी डिस्क्रिप्शन लिंक से फाइल लिखा है उसको डाउनलोड कर लीजिए और सारे फाइल्स को आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको कि जो मैं आपको ब्लैंक डिस्क का जिप फाइल दे रहा हूँ उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसके अंदर जो फाइल है उसको रीनेम करके c.img कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है कीमो मैनेजर जो मैं सॉफ्टवेयर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपको क्या करना है विंडो एक्सपी का .iso फाइल जो आपको इंटरनेट ऑनलाइन कहीं मिल जाएगा उससे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप कीमो मैनेजर को ओपन कीजिए, वहाँ पर प्लस साइन दिया होगा उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको जैसे मैंने दिखाया था आपको ड्राइवर से जाना है और हार्ड डिस्क जीरो करके जो ऊपर सबसे पहला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप जो आपको c.img आपने रीनेम करके जो भी आपने भी फोल्डर पे जिसमें जहाँ भी सेव किया है उसका लोकेशन दे दीजिए और ओके कर दीजिए। उसके नीचे आपको cd/dvd रोम मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो विंडो एक्सपी का iso जहाँ पे रखा हुआ है उस लोकेशन को वहाँ दिखा के और ओके कर दीजिए। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि रन वर्चुअल मशीन दिखाएगा उस पर क्लिक करके और अब वर्चुअल मशीन जो उसको रन कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने लगेगा। तो विंडो एक्सपी जब पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जिस तरह नॉर्मली विंडो एक्सपी बूटअप होता है वैसे ही आपके कंप्यूटर के क्यू मैनेजर में वो रन होने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है कि स्टॉप क्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो c.img आपने रीनेम करके फाइल बनाया था उसमें विंडो एक्सपी इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद उस फाइल को आपको अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में सेव करना है। उसके बाद आपको मैं sdl फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहूँगा उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद sdl में c.img को कॉपी कर लीजिए, पास्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में बोस apk को जो मैंने बोस बताऊँगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो मैं वेबसाइट बताऊंगा HDA डेवलपर का नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया होगा उस पर जाइए और नीचे कोड्स कुछ दिए होंगे उस कोड्स को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको SDL फोल्डर में जाना है और .txt करके एक फाइल होगा उसको ओपन कीजिए और उसमें जितने चीज़ें लिखी हैं सबको डिलीट करके आप जो नया कोड कॉपी किए हैं उसको वहाँ पर पास्ट कर दीजिए और सेव कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको होम बटन पर क्लिक करना है और बोस APK ओपन करना है तो आपके फ़ोन में विंडो एक्सपी रन करने लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है,
ये काफ़ी टाइम लेगा, ये आपके फ़ोन के प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कितना रैम है। और उसके बाद बता दो, अगर आपके पास हाई इन फोन थे, अगर आपके फ़ोन में 4 GB 6 GB रैम है तब भी ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि अभी ये रनिंग प्रोजेक्ट है और पूरी तरह से ये फास्ट वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपके फ़ोन में विंडो XP रन होने लगेगा इतना तो होगा। तो मैं इसको थोड़ा पास करता हूँ और जैसे ही ओपन हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं विंडोज स्टार्टिंग अब शो कर रहा है, और चूंकि इसका रिसोल्यूशन मैंने छोटा रखा था ताकि काफ़ी तेज़ रन करे, तो ये छोटा ही रन करेगा छोटी स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं ये हो रहा है, ये भी अभी भी बहुत टाइम लेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप जब आएगा तो मैं आपको शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अब वेलकम वाला स्क्रीन भी दिखा रहा है, इसके बाद भी काफ़ी टाइम लेने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी ये प्रोसेस, ये जो ऐप है इस वर्किंग स्टेज में है, अब इस पर वर्क चल रहा है। सो जब ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको शो करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कुछ टाइम ले रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कुछ देर वेट कीजिए और अपने फ़ोन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद विंडो XP आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा और अपने फ़ोन में आप माउस कीबोर्ड को OTG केबल जोड़ के और विंडो XP को अपने फ़ोन में रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो आपके में जो विंडो XP जो रन करेगा उसका स्पीड तो काफ़ी तेज़ होगा नहीं, लेकिन आपको ये बता दूं कि भाई ये प्रोजेक्ट वर्किंग स्टेज में है और आगे चल के आपको स्पीड तेज़ मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।